लव इसके अलावा कुछ है ही नहीं है, क्योंकि मैंने ये महसूस किया इट्स ए फ्लो ऑफ गुड लव, लव ही कहना चाहिए, और बस है, जब तक रहता है तब तक है, लेकिन बहुत देर नहीं रहता, हो सकता है बीच में आधा घंटा रहा हो, धीरे 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 वो चला गया। मेडिटेशन तो रहता ही है, हम उसके साथ ही पैदा होते हैं, हम जो काम करते हैं जिनको हम डिवाइसेस कहते हैं वो उसको रोकने वाली जो चीज़ें हैं उनको हटाने का काम करते हैं, वो जो पर्दे जो कर्टेंस उसके ऊपर गिर गए हैं हमारी कंडीशनिंग के, हमारे कॉन्सेप्ट्स के, हमारे आइडेंटिफिकेशन के, उनको बस हम हटाते हैं डिवाइसेस। और मेडिटेशन तो हमारे अंदर हमेशा है, वो हमारे सेंटर ऑफ बीइंग में हमेशा विद्यमान है, तो वो उभर कर आ जाता है, उसको लाना नहीं पड़ता, वो ढका है, ढक गया है बस। इसीलिए महाराज जी आपने कई बार कहा है, कृष्ण मूर्ति कहते हैं कि फर्स्ट स्टेप इज द लास्ट स्टेप। आज मैं इसको सुन रहा था, कोई टॉक था तो मैंने तो मिला कि ना ये फर्स्ट स्टेप इज नॉट द लास्ट स्टेप, देयर इज नो स्टेप व्हाटसोएवर, कोई स्टेप है ही नहीं इसमें। मुझे ख्याल है कि जब जब मुझे मैं ध्यान जो भी ध्यान है उसमें गया हूं तो भाव पहले आया, एक डीप एक आया कुछ, और जब वो आया तो एक आनंद की लहर और उसमें बहना शुरू किया। मैंने कई बार कहा है कि एक डोल हाल से बस मुझे याद है ऐसा था, अब रियलिटी बिल्कुल नहीं है वैसे, मैं बहुत दूर वहां से चला गया, थोड़ा दूर हो जा रहा। तो फिर मैं उनसे पास गया कि बताने के भाई मैं अपने बारे में बता सकता हूँ कि जब जब मैं ध्यान में गया तो पहले भाव आया और उस भाव में बहे और विचार अपने आप ही चले गए, थे ही नहीं। मैंने उदाहरण दिया कि जैसे कि बादल बहुत दूर हो, दूर से दिखाई देते हैं, इधर उधर हैं, रास्ता बिल्कुल साफ है, एक आनंद का एक बहाव है, उसी में मैं चल रहा हूँ। बिल्कुल भाव में ही जा सकता है व्यक्ति। और ध्यान का जो अगर बड़ा सीधा सा किसी को वक्तव्य दिया जाए तो कहा जाएगा अपने संघर्षों से हट जाना, ड्रॉपिंग योर स्ट्रगल्स। आप विचारों से संघर्ष में हैं तो विचार बने रहेंगे, आप जिस चीज से उलझे हैं वो चीज बढ़ी रहेगी, विचार आ रहे हैं उनको आप बस तटस्थ होकर देख रहे हैं, आते आते वो चले जाएंगे। उनसे अपना तादात्म्य तोड़ लिया आपने कि ये मेरे विचार हैं या किसी के विचार हैं, विचार हैं, आप ध्यान में हैं। अब जैसे आसमान में बादल हैं तो बादलों को देखने से आप कोई डिस्टर्ब थोड़े हैं, काले बादल हैं, भूरे बादल हैं, सफेद बादल हैं, कैसे भी बादल हैं आसमान में हैं, आपको वो भी सुंदर ही लगते हैं, तरह तरह के आपको लगता है कैसे कैसे आकार, कैसे कैसे ढंग बादलों के, क्योंकि उनसे आपने अभी अपना पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नहीं जोड़ा है। लेकिन अगर आप जोड़ लें कि बाईं तरफ से आने वाले विचार आपके हैं, दाईं तरफ से आने वाले विचार पड़ोसी के हैं और इधर से आने वाले उसके हैं, अब आपको तनाव बादलों को देखने में भी हो जाएगा, लगेगा कि मेरे वाले तो छोटे छोटे आ रहे हैं, पड़ोसी के बादल बड़े बड़े आ रहे हैं, और ये वाला रंग तो थोड़ा काला ज्यादा हो गया, ये वाला पीला हो गया, या आप तरह तरह से उसको तुलना में लाकर परेशान हो जाएंगे। अब जब हमारे चेतना के आकाश में विचार आते हैं तो वो भी बादलों जैसे ही हैं, समस्या हमारी ये है कि हम उनको अपना मान बैठते हैं, मेरे विचार मेरे अंदर आ रहे हैं, वो भी जिसको हमारे जो संबुद्ध लोग हैं वो कहते हैं चित्ताकाश, इनर स्काई, उसको वर्ड भी वही उपयोग करते हैं, वो आंतरिक आकाश है आपका इनर स्काई, उसमें विचार बस आ रहे हैं, कभी अच्छे हैं कभी वो थोड़े कम अच्छे हैं, बस उनको आकर बह जाने दें। उठे हैं वो, कहाँ से उठे हैं पता नहीं, उठे बह जाएंगे वो, तो आपको कोई उलझन कोई अड़चन कोई समस्या कुछ भी बांधने वाली नहीं रह जाएगी। और अगर कोई ऐसे कर पाया तो एक दिन वो देखेगा कि आकाश खाली हो गया, आकाश बिल्कुल निर्मल है,
कोई उसको संघर्ष नहीं है, एक गहरी शांति है उसके अंदर। तो ये डिवाइस, यही डिवाइस। और एक कॉन्सेप्ट जो है वो कहता है कि आप साधना करेंगे धीरे धीरे वहां पर पहुंचेंगे उस जगह में। एक कॉन्सेप्ट कहता है कि आप तुरंत तत्क्षण वहां पहुंच जाएंगे, आपको कोई साधना की जरूरत नहीं है। तो जब ये वाला कॉन्सेप्ट आएगा, इसको कहते हैं दो थॉट स्कूल अध्यात्म के, ग्रेजुअल इनलाइटनमेंट एंड सडन इनलाइटनमेंट। ग्रेजुअल इनलाइटनमेंट के धीरे धीरे आप चलेंगे, धीरे धीरे रिवोल्यूशन होगा, धीरे धीरे इवोल्यूशन होगा। सडन इनलाइटनमेंट एकदम से एक्सप्लोजन, आप उसी जगह होंगे। पॉइंट दोनों में यही है कि चीज कहीं से आएगी नहीं, चीज कहीं बाहर से नहीं आएगी, वो आपके अंदर हमेशा ही थी। राइट नाउ यू आर इनलाइटेंड, लेकिन अगर आप बिलीव करते हैं कि वो धीरे धीरे होगा तो धीरे धीरे होगा, अगर आप बिलीव करते हैं वो तुरंत हो सकता है तो तुरंत हो सकता है। ये केवल आपकी मान्यता पर आधारित है और आपकी तैयारी पर। जैसे कि कई बार आप बहुत तैयारी में नहीं है तो आप उसको ग्रेजुअल लेकर चलते हैं कि चलो धीरे धीरे चलते हैं। और एक व्यक्ति के अंदर इतनी प्यास इकट्ठी हो गई है कि वो इंतजार नहीं कर सकता, तो कुछ सडन होगा, अचानक विस्फोट होगा उसके साथ। तो ये उसकी अपनी इंटेंसिटी आप क्वेस्ट से रिलेटेड है। जब क्वेस्ट धीरे धीरे बढ़ रही होगी तो स्टेप्स आ जाएंगे कि अब पहला स्टेप पूरा कर लो, अब दूसरा स्टेप पूरा कर लो। वो भी गलत नहीं है, वो तो आखिर में पता चलेगा कि सारे स्टेप्स इल्यूजन थे। जैसे वो डिग्रीज पे बॉयल करने का तरीका है, आप एक डिग्री दो डिग्री धीरे धीरे उसको एवेपरेट करने के लिए बढ़ा रहे हैं। और आप टेम्परेचर एकदम से भी क्रिएट कर सकते हैं, 100 डिग्री पर जाने के लिए आप इतनी सडन डिवाइसेस भी उपयोग कर सकते हैं कि आप बहुत ही कम वक्त में उसको 100% बढ़ा दें, 100 डिग्री पर बढ़ा दें। लेकिन कभी कभी खतरनाक भी है, अगर एकदम से 100 डिग्री बढ़ाई जाए तो कई सारे मटेरियल उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, कई सारे मटेरियल ब्रेक हो सकते हैं, टूट सकते हैं। कुछ चीज़ें धीरे धीरे एडजस्ट होती हैं, धीरे धीरे उन व्यवस्थित होती हैं। अब ये डिपेंड करता है, ये निर्भर करता है। लेकिन दोनों में से कोई भी बात सही नहीं है कि ऐसा ही होता है या वैसा ही होता है। दोनों जब एप्लीकेबल जिस तरह से हो जाए वही ठीक है, लेकिन इनलाइटनमेंट दोनों लाती नहीं है। वो दोनों चीजें इनलाइटनमेंट नहीं लाती हैं, वो तो पहले से ही वहां होता है, वो तो बस केवल उसको प्रकट कर देती हैं। किसी पे अचानक तत्क्षण प्रकट हो जाता है, किस पे थोड़ा वक्त लगता है, बस इतना सही है।